वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मूवी टाइम आज एक्सप्लेन कर रहा है एक स्पेनिश मूवी जिसका नाम है द रेड थ्रेड, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और अब ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी में हमें एक एयर होस्टेस और एक पैसेंजर की स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह ना चाहते हुए भी डेस्टिनी उन्हें बार बार मिलवाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी के हिंदी में स्टोरी टेलिंग। मगर इसको शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक एयर होस्टेस जिसका नाम अप्रैल है, वो एयरपोर्ट पर चेक इन के लिए बढ़ रही है। चेक इन के बाद वो एक काउंटर पर जाकर म्यूजिक सुनने लगती है। तब हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मैनुअल है, वो भी उसके साथ खड़ा म्यूजिक सुन रहा होता है। अप्रैल अच्छे से उसे नहीं सुन पा रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मैनुअल उसकी हेल्प करता है और फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। मगर दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इनकी एक छोटी सी मुलाकात इनकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल देगी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि अप्रैल एक माइनर बच्चे को लेकर मैनुअल की ओर आती है और कहती है कि ये बच्चा अकेला ट्रेवल कर रहा है, प्लीज इसका ध्यान रखना, इसकी सीट तुम्हारे साथ ही है। आगे फ्लाइट को टेक ऑफ हुए काफी टाइम हो चुका होता है, तो मैनुअल अप्रैल के अकेले होने का वेट करता है। और जब उसकी को एयर होस्टेस पैसेंजर्स को सर्व करने जाती है तो वो अप्रैल के पास चला जाता है। तो अप्रैल उससे कहती है कि क्या बात है, तुम्हें नींद आ रही है क्या? तो मैनुअल कहता है कि नहीं, दरअसल उसे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है। तो अप्रैल उससे पूछती है कि आज तुम ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनेस की वजह से या प्लेजर के लिए? तो मैनुअल जवाब देता है कि मेरे लिए बिजनेस और प्लेजर दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि मैं एक इनोलॉजिस्ट हूँ जो कि वाइन मेकिंग एक्सपर्ट होते हैं और मेरा वाइन बनाने का बिजनेस है। इसी बात पर अप्रैल इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों देखते हैं कि उसके एक एयर होस्टेस दोस्त किसी पैसेंजर के साथ रोमांटिक हो रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ब्लश करते हुए स्माइल करते हैं। और दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि फ्लाइट में एक टर्बुलेंस आ जाती है। तो मैनुअल उसे पूछता है कि क्या ये नॉर्मल है? तो अप्रैल उसे कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। तभी मैनुअल अप्रैल को इशारे में कहता है कि अगर हम भी किस करें तो वो भी नॉर्मल होगा क्या? पर तभी उसकी को एयर होस्टेस वापस आ जाती है और मैनुअल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मैनुअल देखता है कि वो दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर्स को जूस सर्व कर रही होती है। तो वो एक बार फिर से अप्रैल के पास चला जाता है। तो अप्रैल उसे कहती है कि तुम यहाँ बार बार मत आओ, तुम्हें कोई यहाँ पर देख लेगा। तो वो उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है, मगर तकदीर इन्हें मिलाने पर लगी थी और तभी दोबारा से टर्बुलेंस आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से वापस से टकरा जाते हैं। और फिर ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। और फिर मैनुअल अप्रैल से कहता है कि फ्लाइट के लैंड होने के बाद क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? तो अप्रैल उसे कहती है कि हाँ जरूर, तो मुझे कस्टम क्लियरेंस के बाद मिलना। जिसके बाद मैनुअल वहां से चला जाता है और फ्लाइट लैंड करती है। अप्रैल मैनुअल के क्लियरेंस का वेट करती है और उसे लाइन में खड़ा हुआ देखती है। पर डेस्टिनी ने फिर से यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और हम देखते हैं कि कस्टम में यहाँ एक इशू आ जाता है और सभी पैसेंजर्स को यहाँ पर रोक दिया जाता है। और सिक्योरिटी अभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती है और इस वजह से अप्रैल उसका वेट करती रह जाती है और ये दोनों यहाँ पर नहीं मिल पाते। दोनों ने ना ही कोई मोबाइल नंबर ना ही कोई किसी तरह का कॉन्टेक्ट शेयर किया होता है, जिससे कि एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर पाते। और देखते ही देखते मूवी में आगे 7 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अप्रैल की शादी हो चुकी होती है और उसका हस्बैंड ब्रूनो, जो कि एक म्यूजिकल रॉक स्टार है, दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम फेलिक्स होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनुअल की भी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ लॉरा एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उन दोनों की एक बेटी है। फिर एक दिन अप्रैल कोलंबिया के लिए निकल जाती है, जहां पर एक बार फिर से डेस्टिनी मैनुअल को अप्रैल से मिलाती है और दोनों को 7 साल के बाद फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तब अप्रैल बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगती है। तभी मैनुअल उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तो अप्रैल कहती है कि जानती हूँ कि तुम वही हो जिसने मुझे 7 साल पहले बताया था कि मैं वाइन का बिजनेस करता हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है। और अप्रैल वहां से जाने लगती है, मगर मैनुअल उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, उस टाइम हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, तो कम से कम अब तो हम एक बार लंच पर जा सकते हैं। मैनुअल के इंसिस्ट करने पर अप्रैल मान जाती है। लंच करते वक्त अप्रैल अपने पति और बेटे की फोटो मैनुअल को दिखाती है और फिर मैनुअल भी अपनी वाइफ और डॉटर की फोटो उसे दिखाता है। और अप्रैल उसे कहती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल कहता है कि हाँ, ये प्यार हम दोनों के बीच भी हो सकता था, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती हो? तो अप्रैल कहती है कि नहीं,
जो चीजें नहीं हुई हैं, उनके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। थोड़ी देर के बाद एबिल कहती है कि मेरे कैप्टन फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी है और मुझे जाना होगा, और एब्रिल उसे थैंक यू बोलकर चले जाती है। रात को जब मैनुअल अपने होटल रूम की बालकनी पर खड़ा होता है तो वह वहां से देखता है कि एब्रिल अपने कैप्टन फ्रेंड की पार्टी में काफी एंजॉय कर रही है। एब्रिल जब मैनुअल को बाहर खड़ा हुआ देखती है तो उसे अंदर बुला लेती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों होटल की छत पर जाते हैं और साथ में बातें करते हैं। बातों बातों में एब्रिल उसे गाल पर किस कर देती है और मैनुअल वापस उसके लिप्स पर किस करता है, पर फिर एकदम से एब्रिल पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एब्रिल अपने हस्बैंड और बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक नेटवर्क कनेक्टिविटी चली जाती है, तो एब्रिल बाहर घूमने का डिसाइड करती है और अपने दोस्त को साथ लेने चली जाती है। अपने दोस्त के रूम के बाहर पहुंचकर वो देखती है कि उसके दोस्त और कैप्टन पहले से एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ही छोड़कर वो अकेले ही साइट सीइंग करने चली जाती है और जाते जाते देखती है कि मैनुअल अपनी वाइन की बॉटल्स को एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसके पीछे जाता है और फिर दोनों एक साथ साइट सीइंग के लिए चले जाते हैं। और फिर आर्ट फेयर और साइट सीइंग के बाद दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद दोनों काफी रोमांटिक फील करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर ये दोनों वापस से होटल रूम में आकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जब मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है तो एब्रिल उसे बात करते हुए सुनती है, जिसमें वो कहता है कि वो अभी बिजी है और उसे 2-3 दिन और लग जाएंगे। जिसे सुनने के बाद एब्रिल को ये रियलाइज होता है कि वो भी एक तरह से अपने हस्बैंड और फैमिली को धोखा दे रही है और उसे गिल्टी फील होने लगता है। दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ ना हो सकते थे और ये बात सोचकर वो रोने लगती है और फिर वो वहां से चले जाती है। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, मगर मैनुअल का मन अभी भी एब्रिल को याद कर रहा होता है। वो एब्रिल को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है। एब्रिल थोड़ा सोचती है पर बाद में उसे मिलने से मना कर देती है, मगर डेस्टिनी ने दोनों के लिए कुछ और ही प्लान किया था। आगे हम देखते हैं कि लॉरा, जो कि मैनुअल की वाइफ और एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है, वो एब्रिल और उसके हस्बैंड ब्रूनो का फोटोशूट कर रही होती है, तो मैनुअल भी अचानक वहां पर आ जाता है और किस्मत एक बार फिर से दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। लॉरा मैनुअल को एब्रिल और उसके हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है और ब्रूनो एंड लॉरा फोटोशूट में बिजी हो जाते हैं। तो इधर मैनुअल एब्रिल से कहता है कि मुझे मेरे रूम में आकर मिलो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, पर वहां से आने के बाद उसे फिर से रियलाइज होने लगता है कि मैनुअल की वजह से वो किस तरह से अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही है, और फिर वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ लॉरा मैनुअल को एब्रिल और उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जो कि उसने ली थी, और एक स्पेसिफिक फोटो को जूम करके दिखाती है कि वो किस तरह से एब्रिल की तरफ देख रहा है, और क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी तो उसे फेस और एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से रीड करना आता था। फिर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि मैनुअल और एब्रिल के बीच में कुछ चल रहा है। पूछने पर मैनुअल बोलता है कि वो उसे ये सब बताने वाला था। ये सुनकर लॉरा उससे कहती है कि कब बताने वाले थे, मतलब तुम किसी और से मिले और तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो मैनुअल कहता है कि ऐसी चीजें लाइफ में हो जाया करती हैं, और लॉरा उससे कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई और नहीं करेगा। ये कहकर वो वहां से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ एब्रिल भी अपने घर में काफी डिस्टर्ब रहती है। ना तो वो मैनुअल के साथ ओपनली रह सकती है और ना ही वो कुछ अपने हस्बैंड को बता सकती है। वो इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड ब्रूनो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। उसके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद एब्रिल उससे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद ब्रूनो उस पर चिल्ला पड़ता है और वो उससे अलग होने का फैसला करती है। तो ब्रूनो कहता है कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही फिलिक्स कभी तुम्हें माफ करेगा। ये बात सुनकर वो घर से निकल जाती है और मैनुअल को टेक्स्ट करके एयरपोर्ट बुलाती है और फिर मैनुअल के साथ रहने के लिए निकल पड़ती है। मगर एक बार फिर से तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर एब्रिल अपनी कार से देखती है कि मैनुअल उसका वेट कर रहा है, और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है। और फिर हम देखते हैं कि एब्रिल मैनुअल को मैसेज करती है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, और अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहती है और वहां से चले जाती है, और हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जो खुशी और गम दोनों ही साथ लाती है और हमें दोनों में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मूवी की स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।